कोहरे का कहर, खड़े ट्रक में टकराई 10 गाड़ियां, एक की मौत, एक दर्जन से ज्यादा घायल। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 24 पर उस समय भीषण हादसा हुआ जब एक ट्रक खराब रोड पर खड़ा था। कोहरे में दिखाई नहीं देने पर एक के बाद एक गाड़ियां पीछे से टकराई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर दिया है, घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद NH 24 पर कोहरे का कहर, खराब खड़े ट्रक में एक के बाद एक गाड़ी की टकराई, 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत ही पुलिस ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बिन्नी ने बताया कि वह अपनी निजी गाड़ी से 5 लोग रामपुर से फरीदाबाद जा रहे थे, रोड पर खड़े ट्रक में जाकर तेजी से टकराया, जिसमें मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को चोट लगी है। घायल के रिश्तेदार खलील अहमद ने बताया कि यह लोग मेरे जा रहे थे और ट्रक गलत खड़ा था, पीछे से जाकर गाड़ी ठोकी। कोहरा होने के कारण उन्होंने बताया कि 4 गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ है और 15 से 16 लोग घायल हैं, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। हमें इतनी जानकारी वहां मिली है, हम अपने मरीज को लेकर तुरंत ही अस्पताल भागे आए थे। खलील ने बताया कि उनके ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। चश्मदीद अशोक कुमार का कहना है, कोहरे की वजह से पहले ट्रक से बाइक सवार टकराया, फिर एक के बाद एक 6 से 7 गाड़ियां टकराई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। मुरादाबाद यूपी से प्रवेश अंसारी की रिपोर्ट। फरीदाबाद विनी, क्या हुआ? हम फरीदाबाद के लिए निकले थे तो वहाँ पर ड्राइवर था, तो सामने एक ट्रक खड़ा हुआ था, फॉग हो रहा था, तो उसने बहुत तेज़ी से हमारी गाड़ी वहाँ जाके उसमें लगी,
उसके बाद फिर मेरी मदर इन लॉ को चोट लगी है और मेरे हस्बैंड को भी चोट लगी है उसमें। कितने लोग थे? हम 5 लोग थे, रामपुर से फरीदाबाद के लिए जा रहे थे हम। नहीं, हमारी एक मेरी मदर इन लॉ एक और मतलब जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम उनसे उन्हें देखने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, ये राम गंगा के पास वहीं पर हुआ है, हाईवे पे ट्रक के अंदर गाड़ी से हो गई एकदम जाके, ना जाम हो रहा था वहाँ पे तो ट्रक दिखा नहीं तो गाड़ी उसमें ही जाके लग गई। थैंक यू। क्या नाम है आपका? खलील अहमद। खलील जी, एक्सीडेंट जो हुआ कैसे हुआ? सर ये लोग मेरठ जा रहे थे, डीसीएम में बैठे हुए थे, तो वो ट्रक जो है गलत खड़ा था जिसमें कि डीसीएम जा करके ठोकी, जब उसमें ठोकी तो एक पीछे से और जा रहा था उसमें भी ठोक गई, कोहरा था बहुत ज़्यादा, तो ये 4 गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ है। 1500 लोग घायल हैं, सुनने में आया कि एक एक्सपायर भी हो गया है, हमने तो देखा नहीं है क्योंकि हम रास्ते में थे, अपने मरीज के लेकर के भाग आए हम, जो कि हम वहाँ पे देखते, लेकिन पता है लोगों ने कि वहाँ पे कोई एक आदमी एक्सपायर हो गया है, उसका एड्रेस का ही पता नहीं है। हाँ, 1500 लोग घायल हैं, 4 जने तो ये हमारे ही हैं, 4 तो हमारे घर के ही हैं। नहीं जी, हाँ जी, ये हमारे गांव से फूफो भी हैं, मेरठ जा रही थी, हमारे फूफा के चोट लग गई है, उन्हें देखने के लिए जा रहे थे, सब लोग डीसी में बैठे हुए थे, वो ट्रक बिल्कुल गलत खड़ा था, जब अगर ट्रक ख़राब हो गया तो हमने साइड में खड़ा करना चाहिए उसे, उसने दूसरी साइड में खड़ा कर रखा, उसी में सामने डीसी में घुस गई, ठुक गई जा करके उसमें, फिर एक पीछे से ही उसमें भी दूसरी डीसी में ठुक गई। डीसी में 4 दिन तो ये थे और कोई 5-6 दिन और थे। ये बाइक रामगंगा पुल से आगे चल के वो पड़ता है दौलतपुर, इसके दौलतबाग के बराबर में ही, दौरबाग के बराबर में ही है, वहीं पर हुआ ये एक्सीडेंट, जो कि रेलवे बना हुआ है, चंदूसी की लाइन जाती है उसके बराबर में पुल के ऊपर। ये नहीं पता सर, हम तो रास्ते में से ही अपने मरीजों को लेकर के आ गए, हमारे 4 लोग पहुँच गए थे, वो इन्हें लेकर के आ रहे थे, तो हम इन्हें रास्ते में लेकर के आ गए, हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। सर जो मतलब NHAI वाली एम्बुलेंस उनको लेके आई थी तो बता रहे थे कहीं पुरानी चुंगी के आसपास कहीं कोई दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में मेरे पास अब तक 7 घायल व्यक्ति लाए जा चुके हैं जिनको प्राथमिक उपचार करने के पश्चात भर्ती कर लिया गया है और आगे का उपचार जारी है। क्या कंडीशन है सर? अभी उसमें से मतलब 4 तो गंभीर स्थिति में हैं और 3 हमारे लगभग ठीक हैं, तो सबका उपचार जारी है। क्या लग रहा है नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, अभी स्थिति पे नज़र रखे हुए, यदि कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी तो उनको उचित इलाज के लिए आगे भेज दिया जाए।